भारत सरकार जो कहती है ना एमएसपी थी है और रहेगी, यही वो काला सच है। मधुबनी सुपौल जिला, मधुबनी जिला, सहरसा से ये सब किसान है वहाँ के, ये कोई मजदूर नहीं, ये वहाँ के काश्तकार हैं। और आज काश्तकार का ये हालात इनका है कि मजदूरी भी इनके पल्ले वहाँ पे नहीं है। भारत में देश का किसान दिल्ली की राजधानी के चारों तरफ को बैठा हुआ है। आज लखनऊ जा रहे हैं तो हम यहाँ पे एक टोल नाका है, यहाँ पे रुक गए और रुकने के बाद में देखा कि पूरा एक जवान यहाँ पे है जो दिखाई दिए, इनसे जब बातचीत हुई तो ये सब बिहार के लोग हैं और बिहार में ये वही लोग हैं, ये बिहार का किसान है, बिहार का ये बिहार का किसान है। जब वहां पे जाता है दूसरे का वहां मजदूरी करने तो ये मजदूर होता है वहां का, ये अपने गांव को जा रहे हैं वे वापसी। तो हमने जब इनसे बातचीत करी तो ये किसान है, वहां पे धान की, सूरजमुखी की, गन्ने की, उसकी एक खेती करते हैं, लेकिन मंडियां बंद हो चुकी है बिहार में। और बिहार की मंडी बंद होने के बाद में ये हालात इनकी हैं कि ये मजदूर भी आज नहीं रहे, मजदूर भी इनके वहां पर नहीं है, मजदूरी ये करने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, दिल्ली वहां पे जाते हैं, बसों से तीन तीन दिन का सफर करते हैं, अपने गांव को वापसी जाते हैं। ये सारे किसान हैं। ये तीन जो काले कानून हैं, आने वाले टाइम में पूरे भारत की स्थिति ये होने वाली है, जो देश का नौजवान है उसकी स्थिति ये होने वाली है, पूरी जमीन ने जाएगी, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं होगा, तो इनके यहाँ पे जो धान पैदा होता है, जो मंसूरी धान इनके यहाँ पे पैदा होता है, वो रामपुर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के वहां पे बिकता है। वो है भारत सरकार जो कहती है ना एमएसपी थी है और रहेगी, यही वो काला सच है कि जो धान बिहार और बिहार से लगते हुए उत्तर प्रदेश के बॉर्डरों में पैदा होता है वो धान वहां पर नहीं बिकता, मंडियां बिहार की खत्म होके। और आज ये हालात आज इनकी देख सकते हो आप, ये इनकी हालात है। और ये यहाँ से नहीं, ये बसों के द्वारा आप देखोगे, ये यहाँ आगे भी आप देखोगे, सब बिहार का जो नौजवान है पूरा, ये सब यहाँ से लगा कर वहां तक अपनी मजदूरी करने के लिए, ये पूरा का पूरा वहां तक आप देखोगे ये रुके हुए हैं, वहां मजदूरी करने के लिए वहां पर लोग जाते हैं। तो ये हालात होंगी जब मंडियां खत्म होंगी देश की, तो मंडी खत्म होने पे ये हाल होगा। ये कानून अगर खत्म नहीं होंगे काले कानून, तो पूरे देश में मजदूर बनेगा और आने वाले टाइम पे इनको मजदूरी भी नहीं मिलेगी। ये 6,000 और 7,000 और 8,000 की नौकरियां हम सबको जो नौजवान हैं उनको करनी पड़ेगी। तो देश के किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, आदिवासियों को, सबका जागना होगा। जो काले कानून है ये वापसी हो, एमएसपी पे गारंटी कानून बने, जो बिजली अमेंडमेंट बिल है वो वापसी हो, दूध का जो एक कानून आ रहा है वो वापसी हो, तो ये देश बचेगा। नहीं तो ना ये जमीन बचेगी, ना ये देश की जवानी बचेगी। नस्ल और फसल बचाने की ये लड़ाई है, इस लड़ाई में आप सब शामिल हो। यहाँ रुकते हुए यहाँ कानपुर कन्नौज के पास में यहाँ पर रुके, इन लोगों को देखा। आप कहाँ कहाँ से आप लोग आए? मधुबनी सुपौल जिला, मधुबनी जिला, सहरसा से, ये सब किसान है वहाँ के, ये कोई मजदूर नहीं, ये वहाँ के काश्तकार हैं। और आज काश्तकार का ये हालात इनका है कि मजदूरी भी इनके पल्ले वहाँ पे नहीं है। और ये दो दो दिन वहाँ से, ये कल चले होंगे पंजाब और वहाँ से, और तीन दिन हो गए और ये कल तक ये जाएंगे। ये हालात होगी, अगर सुधरना है, आंदोलन में जिंदा है, तो दिल्ली आ जाओ और संघर्षों में शामिल हो। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन से, संयुक्त मोर्चे से लखनऊ जाते हुए एक नमूना हमने दिखाया, आप आओ इन आंदोलन में शामिल हो। धन्यवाद।